मैम तो ये बताएं कि आप दोनों में इतना झड़प हुआ है और आप साफ तौर पर सारा इल्जाम लगा रही हैं युवराज पे, तो क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ मैं युवराज से, बिकॉज उसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ऐसा मुझे लग रहा है, उसकी वजह से इतनी देरी हुई जानों को इंसाफ मिलने में ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये सब मुझे ही लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट इज द रीज़न आई एम एक्सट्रीमली एंग्री विद युवराज। एक इमोशनल टच भी देखा हमने आप दोनों के बीच में, उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा बन चुका था, जिस पे इतना भरोसा किया था अनुष्का ने, वही उसे धोखा दे रहा था, उसे लग रहा था। सो दैट इज़ द रीज़न शी वॉज वेरी एंग्री। लेकिन अब जाके जब उसे पता चला ये सब ऐसा नहीं है, सो अनुष्का इज़ इवन मोर गिल्टी एंड हर्ट कि यार इतना कुछ बोल दिया, दैट टू स्पेशली टू दैट पर्सन जिसे वो इतना चाहती है। अम्मा जी को पता नहीं है, तो पता होगी तो क्या? अम्मा जी को डेफिनेटली पता है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ युवराज के साथ, क्योंकि जो भी बातें होती हैं वो मैंने सिर्फ या तो उन्हें बताई है या तो युवराज को बताई हैं, एंड शी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से अम्मा जी वॉज द वन टू टेल मी कि ये हो सकता है युवराज ने किया हो। सो इट इज़ डेफिनेटली वेरी श्योर दैट शी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया।